नमस्कार फ्रेंड्स, कविता किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बनाएंगे बिना प्याज लहसुन टमाटर के मटर पनीर, बिल्कुल हींग जीरे वाला। लेकिन ग्रेवी बनाएंगे हम दही से। तो दही की ग्रेवी में हमने ये कश्मीरी लाल मिर्च पूरा एक चम्मच, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ये धनिया पाउडर है एक बड़ा चम्मच समझ लीजिए, इसमें हम नमक नहीं डालेंगे। और ये इसको हम मैश करके हींग जीरे से छौंकते हैं। चलिए, फ्रेंड्स जब दही डालेंगे तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो इसमें ना फुटकर आ जाती है दही से, तो चलाते रहना है तुरंत, क्योंकि हमारे पास टमाटर की ग्रेवी तो है नहीं, ना हमारी प्याज लहसुन की ग्रेवी है, तो हमारे पास ग्रेवी तो यही वाली बनेगी ना बस। ये थोड़ा सा अदरक है और ये एक दो खड़ी मिर्चें हैं जो मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा जीरा है, जरा सा खड़ा गरम मसाला डाला है, दो तीन काली मिर्च, जरा सा दालचीनी, एक बड़ी इलायची और एक तेजपात, थोड़ा सा हींग और ये दो हरी मिर्च लंबाई में काट के, और ये जो थोड़ा अदरक ग्रेट करके रखा है ये भी। थोड़े से मसाले इसमें भी डालेंगे, एक पिंच हल्दी और नमक जितना हमें डालना है सब्जी में स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी लाल मिर्च, देगी मिर्च तो हम काफ़ी डाल चुके, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बाकी तो दही में डला हुआ है। इसे थोड़ा सा पानी डाल के इसे भून लेते हैं, क्योंकि हरी मिर्च भी डली हुई है तो मिर्च तो हमें ज़्यादा डालनी नहीं है, और देगी मिर्च भी डली हुई है और गरम मसाला भी डला हुआ है, जरा सा एक पिंच गरम मसाला और डाल लेते हैं, दोनों बार में गरम मसाला 1/4 चम्मच हो गया। दही डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, बस चलाते रहिए। चलिए इसे अच्छे से भूनते हैं। ये देखिए कितना अच्छा मसाला बनके तैयार हुआ है। लेकिन अभी मैंने पनीर फ्राई नहीं किया है, मुझे कच्चा ही डालना है, तो उसके लिए मैं मटर तो भूनूंगी लेकिन पनीर में बिल्कुल बाद में डालूंगी, नहीं तो मेरा पनीर सारा टूट जाएगा। मुझे पनीर कच्चा ही रखना है और मुझे मटर में देनी है एक सीटी, तो मटर में मैं एक सीटी लगाऊंगी, पनीर बाद में खोलने के बाद डाल के और 5 मिनट सिम पे पकाएंगे सब्जी को। चलिए मटर तो हम डाल ही देते हैं। मटर को अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया मैं अभी डाल रही हूँ और थोड़ा सा गार्निशिंग में डाल रही हूँ। मुझे सब्जी के अंदर भुना हुआ हरा धनिया बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जरा सी कसूरी मेथी डालूंगी लेकिन पनीर डालने के बाद। पानी वैसे एक कटोरी से ज़्यादा पड़ेगा नहीं, एक पाव मटर है, बाकी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से करिए, बस सिर्फ एक कटोरी बस। विसिल लगाते हैं इसमें, एक विसिल लेते हैं मटर में, फिर पनीर डालेंगे। ये विसिल लग गई है मेरी और मैंने ये खोल लिया है। अब मैं इसमें मटर तो मेरी गल गई और ये पनीर मेरा बिना फ्राई किया हुआ है इसमें डालेंगे, और जरा सी कसूरी मेथी डालेंगे, और ये 5 मिनट हम इसे पकने देंगे बस, फिर
हरा धनिया ऊपर गार्निशिंग करेंगे। वैसे जरा सा सिम पे 5 मिनट पकने दीजिए। ये देखिए मटर पनीर बनके तैयार हो गया। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, और ग्रेवी आपको और गाढ़ी करनी तो कर लीजिए, 5 मिनट और जला लीजिए गैस। लेकिन रखे भी सब्जी गाढ़ी होती है, इसलिए मैंने गैस बंद कर दिया है। दही की ग्रेवी वाला मटर पनीर बनके तैयार हो गया। शक्ल में भी और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। इस तरह से ये टमाटर भी नहीं डालने, अदरक लहसुन, अदरक तो मैंने डाला है, लहसुन प्याज भी नहीं डाली है। हींग जीरे से छुकी हुई है सब्जी। चलिए हरे धनिए से भी गार्निश कर देते हैं। फ्रेंड्स ये बनाएंगे हम पुदीने का रायता, जो हमारा सूखा पुदीना हमारे पास रखा रहता है। इसमें कोई और फ्लेवर नहीं, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा काला नमक, थोड़ा सफ़ेद नमक, बिल्कुल एक सफ़ेद नमक भी एक पिंच ही डलेगा, और एक पिंच डलेगी लाल मिर्च, और ये डलेगा पुदीना। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। बस ये देखिए बहुत टेस्टी बनता है ये रायता। पुदीने का रायता बनके तैयार हो गया। थोड़ा ये गाढ़ा ही अच्छा लगता है, पतला नहीं अच्छा लगता। और इसका फ्लेवर बिल्कुल मिंट का अलग ही आता है। इसमें ना आपको बूंदी की ज़रूरत है, ना आलू की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। ये खाली अपने आप में ये फुल रायता है, जिसे हम रायता बोल सकते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, मटर पनीर और पुदीने के रायते के संग डिनर की थाली तैयार है। और घर के आम हैं और बूंदी का लड्डू है, और बिल्कुल प्योर वेज थाली है। क्योंकि आज मंडे का फास्ट है, इसलिए किसी में कोई लहसुन प्याज कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स डिनर की थाली आप भी बनाकर देखिए, इस तरह से बिल्कुल प्लेन प्योर वेज थाली है। तिकोने पराठे हैं, बिल्कुल डिलीशियस। ऐसे देखिए कितने बढ़िया पराठे बने हुए हैं। चलिए थाली सर्व करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, अगली रेसिपी तक के लिए।